नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे महीने का पहला और सबसे भयानक दिन 3 अक्टूबर रविवार का दिन है। ऐसे में तुला राशि के लोगों को सावधान रहना होगा। तुला राशि के लोगों के जीवन में चल रहे मुश्किल परेशानियों से आप लोगों के जीवन के समस्याओं से, दुख तकलीफों से, आर्थिक तंगों से, कई प्रकार के समस्याओं से आपको छुटकारा दिलवाने में यह समय बहुत सहयोग करने वाला है। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होंगे, कई प्रकार के शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे, कई प्रकार के इच्छाएं भी पूरी होंगे, कई प्रकार की जरूरतों को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। परंतु कुछ लोगों को जीवन में कई प्रकार के समस्याओं का सामना भी कई कारणों से करना पड़ सकता है। ऐसे में आज महीने का और सबसे पहला शनि रविवार होने के कारण बहुत ही भयानक रह सकता है। ऐसे में तुला राशि के लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत होंगे। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सके। आपको कार्य क्षेत्र में प्रशंसा की प्राप्ति आज के दिन होने वाली है। आपको कार्य सफल होंगे, किंतु आपको थोड़ी सी इस समय सोचने समझने और अनावश्यक खर्चों पर भी कंट्रोल करने की जरूरत होंगे, क्योंकि आपका खर्चे आपके लिए बड़ी मुसीबतों का कारण बन सकता है। सत्ता के मध्य भाग में आपको बेहतरीन यात्राओं को करने पर बचने का प्रयास करने होंगे। आप घर परिवार का खास ख्याल रखने की कोशिश करें। स्त्री वर्ग से आपको पूर्ण सहयोग भी मिलेंगे। आपको कार्यस्थल पर सफलता की प्राप्ति होंगे, आपके कामों की प्रशंसा होंगे, वरिष्ठों का सहयोग भी आपको मिलेंगे। किंतु आर्थिक स्थितियों में, आर्थिक मामले में आप लोगों को जोड़ों का सहयोग मिल सकता है। मित्रों, यह समय आप लोगों के लिए धन और समाज से जुड़ने का कार्य करने वाला है। आप धन और समाज से जुड़े किसी महत्वपूर्ण कार्य को कर सकते हैं। आपके मान सम्मान इज्जत में बढ़ते होंगे। पारिवारिक जीवन भी आपका सुखमय रहेंगे। भाग्य के साथ होने से आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होंगे। आप जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यदि आप संपत्ति के संबंध में कोई मामले को अदालत में लंबित हैं तो वह भी आपको प्राप्त हो सकता है। उनको भी पा सकोगे और आप लोगों को कार्य क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। वित्तीय मामले भी आसानी से प्रगति करने वाले हैं और लगातार आपको सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होंगे। आपको विदेश जाने का मौका भी प्राप्त होंगे। आपको इच्छाओं को पूर्ण करने का और अपने काम काजों को करने के मौके भी अवश्य हासिल होंगे। मित्रों, वित्तीय मामले भी आप लोगों को आसानी से प्रगति देने वाले हैं और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी भी काफी प्राप्त होंगे। यदि आपको आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनाने पर कार्य कर रहे हैं तो अभी आपका कार्य आ सकता है। विदेश में जाने का मौका भी आपको प्राप्त होने वाला है। आपको सफलता की प्राप्ति होंगे। पारिवारिक जीवन भी आपका संतोषदायक रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध काफी अच्छे रहने वाले हैं। मित्रों, भगवान शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में सारी संकटें और समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। आप अपनी मेहनत और काफी बुद्धि बल बदलते कार्य क्षेत्र में भी विशेष बड़ी खुशखबरी को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर सकोगे। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही सभी प्रकार के कष्टों को छुटकारा दिलवा सकता है। आपका मन प्रसन्न होंगे, आपके सभी मन की इच्छाएं पूर्ण होंगे, आपको मेहनत का फल भी प्राप्त हो सकता है। आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आप अगर अविवाहित हैं तो अविवाहित जातकों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। आप किसी नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। आप अपनी योजनाओं में लगातार सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ मतभेद हो रहे हैं तो वो भी दूर हो सकता है। आपको आमदनी के स्रोत हासिल होंगे। आप कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी पर विजय को विश्वास को हासिल कर सकते हैं। आप किसे लाभदायक यात्राओं पर जा सकते हैं। अनुभवी लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। रचनात्मक कार्य में बढ़ोतरी होंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप लोगों के घर में हजारों सालों तक खुशियां रहने वाली हैं। आपके जीवन में थोड़ी सी मेहनत से आपको बड़े धन लाभ की प्राप्ति होंगे। आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी मजबूत होंगे। कोर्ट कचहरी के पुराने मामले भी आसानी से निपटारा हो सकते हैं, जिनसे कि आपको प्रसन्नता हासिल होंगे। बिजनेस में उन्नति के नए मौके मिल सकते हैं। पुराने निवेशों से भी आपको बड़ा फायदा मिल सकता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आप अपने आर्थिक स्थिति में मजबूती भी परिवर्तन कर सकोगे। आप अपने जीवन में विशेष बड़ी खुशखबरी का आगमन कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र में सुनहरे अवसरों की प्राप्ति होंगे। आपको अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग की प्राप्ति होंगे। कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के सोचे हुए कार्य भी अवश्य पूरे होंगे। आप लोगों के सेहत में काफी सुधार देखा जा सकता है। आप लोगों के सेहत
सेहत से संबंधित सभी प्रकार के समस्याओं से आपको छुटकारा भी प्राप्त होंगे। बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए आप लोगों की सारी के सारे प्लानिंग है, सारे के सारे आप लोगों की योजनाएं भी कारगर साबित होंगे। मित्रों, ये समय अगर आपको अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को संतुलन बनाकर रखना है, अगर आपको रिश्तों को लेकर थोड़ी सी भी कदर है तो आप उनको ज्यादा से ज्यादा समय देने की अवश्य कोशिश करें, क्योंकि बिना समय दिए आप लोगों के जीवन में किसी बड़ी मुसीबतों से भी आप लोगों को गुजरना जरूर पड़ सकता है तथा आप लोगों को काम काजों के सिलसिलों में किसी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। आप लोगों के सफल यात्राएं सफल होंगे, कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। नकारात्मक विचारों से भी आप लोगों को दूर रहने की जरूरत होंगे। आप लोगों को कारोबार के क्षेत्र में आ रहे आप लोगों के सारी अड़चने सारी परेशानी दूर होंगे। परिवार के साथ आप लोगों का समय बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। आप लोगों को संतान सुखों की प्राप्ति होंगे। आप ऑफिस में और सहयोगियों के साथ अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आप लोगों को दूसरों के काम काजों में दखल देने से भी बचने का प्रयास करने होंगे। दूसरों के कामों में बिल्कुल भी आप इंटरफेयर न करें। मन मुताबिक कार्य होने से आप लोगों का मन भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। आप लोगों को बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। घर परिवार में आप लोगों को किसी बड़े व्यक्ति से वार्तालाप करने का मौका भी मिलेंगे। आप लोगों को समय के साथ साथ सावधानी भी जरूर बरतने होंगे। दोस्तों के साथ आप शाम को समय व्यतीत कर सकते हैं। आप लोगों को बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आगे के प्लानिंग के बारे में विचार करनी चाहिए। आप लोगों को बिजनेस पढ़ाने का मौका भी प्राप्त होंगे। दोस्तों के साथ समय बिताने से आप लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति भी हो जाएंगी। बिजनेस को क्षेत्र में आप लोगों को किसी जानकार व्यक्तियों से भी राय लेकर कार्य को करने की जरूरत होंगे। आप लोगों को कोई ड्रेस से संबंधित तारीफें कर सकता है। आप लोगों को इस समय छात्रों का सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। आप लोगों के भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होंगे। छात्र भी कुछ नई योजनाओं को बनाकर कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलताओं को हासिल करने के लिए बहुत ही अग्रसर रहेंगे, बहुत ही आतुर रहेंगे। बहुत ही बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति भी आप लोगों के जीवन में प्राप्त होने वाली है। कुछ ऐसी भी खुशखबरियां आप लोगों के जीवन में दस्तक देंगे जो आप लोगों के सभी प्रकार के कष्टों से भी आप लोगों को छुटकारा दिलवा देंगे। इस समय आप लोगों के दैनिक दिनचर्या में बदलाव होंगे। ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण मामले में भी आप कुछ खास लोगों से बातचीत करने का मौका भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको इन सभी का पूरा पूरा फायदा उठाने होंगे। शाम को परिवार के साथ डिनर करने पर आप जा सकते हैं, जिनसे कि आप लोगों के रिश्ते भी मजबूत होंगे। सेहत के लिहाज से आपको अपने तंदुरुस्ती को बनाए रखने की जरूरत होंगे। आप लोगों का रुका वजन भी आपको वापस मिलेंगे, जिससे कि आपको राहत भी महसूस होंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में साझेदारी से आपको लाभ की प्राप्ति होंगे और किसी जरूरी काम काजों के द्वारा की गई यात्राएं सुखद होंगे। और इस राशि के आर्ष के छात्रों को भी शिक्षकों से बहुत ही ज्यादा मदद मिलेंगे। लंबित के साथ समय बिताने से आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में बहुत ही बड़े खुशखबरी की प्राप्ति होंगे और सेहत के लिहाज से भी आप लोगों का समय बहुत ही अच्छा गुजरेंगे। आप किसी नए बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं और किसी खास मामले में भी अनुभवी व्यक्तियों की सलाह आप लोगों को फायदेमंद साबित होंगे। परिवार वालों के लिए आपका समय काफी ज्यादा खुशनुमा बीतेंगे तथा आपके रिश्तों में भी नजदीकियां बढ़ेंगे। पुराने दोस्तों से भी आपकी मुलाकात हो सकेंगे। आप लोगों के व्यवहार से कुछ लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित होंगे। आर्थिक पक्ष भी आप लोगों का मजबूत रहेंगे। आप लोगों को बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे। आपको किसी पुराने स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं से भी आपको छुटकारा मिलेंगे। जीवन साथी के साथ आप लोगों के संबंध बेहतर होंगे। आपकी मुलाकात बचपन के किसी मित्र से होंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। यह मुलाकात आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, क्योंकि इससे ही आप लोगों के जीवन में प्रसन्नता की प्राप्ति होंगे। आपके लंबे समय से सोचे हुए कार्य भी फिर से पूरे होंगे, जिनसे आपका मन प्रसन्न होंगे और किसी कार्य के लिए आपको कोई बड़ा फैसला भी पड़ सकता है। जीवन साथी की सलाह आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगे और इस राशि के बच्चे भी छुट्टी का आनंद ले सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अपने करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रह सकते हैं। आपको अपने करियर के क्षेत्र से लेकर बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही आप लोगों के सभी समस्याएं भी दूर होंगे। आपको कोई ऐसी बातों का पता भी चलेगा, जिनसे कि आप लोगों को धन लाभ की प्राप्ति होंगे। आपके सभी
समस्याएं भी दूर होंगे और किसी शुभ समाचारों की प्राप्ति करने का मौका भी प्राप्त होने वाला है। आपके मन में किसी व्यक्ति की मदद के भाव आ सकता है। आप लोगों के रचनात्मकता प्रतिभाओं को खुलकर लोगों के सामने आ सकेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होंगे। माता पिता के साथ आप किसी धार्मिक कार्य को करने की योजनाओं को बना सकते हैं। आप खुद को सेहतमंद महसूस कर सकोगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बहुत सारे नए मौके भी प्राप्त होंगे। जीवन साथी के साथ कुछ खुशी के पल बिताने का मौका मिलेंगे। धन के क्षेत्र में वृद्धि होंगे। आप लोगों के रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे। बच्चों को किसी मामले में लेकर आपको काफी ज्यादा प्रसन्नता की प्राप्ति होंगे और विद्यार्थी वर्ग के लोगों को भी शिक्षकों की तरफ से विशेष मार्गदर्शन की प्राप्ति होंगे, जिनसे कि उनका भविष्य में उज्ज्वल बनेंगे। घर पर कोई मांगलिक कार्यक्रम को आयोजित करवाने के बारे में सोचेंगे, जिनसे कि आप लोगों के घर में खुशहाली की प्राप्ति होंगे। रेस्टोरेंट का बिजनेस भी अगर आप करना चाह रहे हैं, वह भी बिजनेस आप लोगों का काफी सफल होंगे। परंतु किसी भी साझेदारी में कोई भी कार्य को न करें, नहीं तो आप लोगों को लेने के देने पड़ सकते हैं। कई सारे लोग आप लोगों को मुश्किलों में डालने की कोशिश कर सकते हैं, या कहें आप लोगों को किसी बड़ी परेशानी से आप लोगों को इस समय डालने की कोशिश कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत ही सोच समझ कर फूंक फूंक कर कदम को बढ़ाने की जरूरत होंगे, तभी आप जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ नए कार्य को करने की भी योजनाओं को बना सकोगे। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम का होना भी आप लोगों के लिए शुभ रहेंगे। आपका दिन बेहतर बने, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।